समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगरा में तूफान पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया है। आगरा आए सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम के बाद सुबह आरक्षित समय समाप्त होते ही एसएन अस्पताल पहुंचकर तूफान में घायल लोगों से मिले, उनसे हालचाल पूछा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उन्हें बड़ी राहत दे दी। तूफान पीड़ितों से राजस्व वसूली पर उन्होंने रोक लगा दी। आगरा जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल उर्फ प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से जिले भर में तूफान के बवंडर ने तांडव किया है, हर संभव पीड़ितों को राहत दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज दौरा किया है, अब जिले भर के गाँव में पहुंचकर वह निरीक्षण करेंगे और पंचायत स्तर से जो भी मदद होगी पीड़ितों को दी जाएगी। आगरा जिले में जिस तरीके से तूफान और कहर आया है, उस दिन मैं बहा में था, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में था। इतना भयंकर तूफान और कहर था, लग रहा था कि जिस तरीके से मैं देख रहा था पूरे आगरा में पता नहीं क्या होगा। तो सुबह मैंने अखबार पढ़ा और प्रशासनिक रिपोर्ट से पता चला कि आगरा जिले में बहुत संख्या में, उस समय जो आंकड़े थे 24 से 25 थे, लेकिन आज आंकड़े और बदल गए, जो घायल थे वो भी 55 के आसपास हो गए। पशु पक्षी भी तो बहुत अनगिनत गिनतियों में हैं जो मरे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी भी हमारे, बड़ा दुखद बात है ये। और पशु भी जो देखे गए हैं वो 250 का आंकड़ा है, 350 का आंकड़ा, 285 के आसपास बताया जा रहा है कि वो है। बहुत जबरदस्त कह रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज आगरा आए हैं, मैं कहीं बाहर था, मैं अभी आया हूं, पता चला कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनकी घर घर जाकर उनको देखा गया है और आश्वासन दिया गया है। जिस तरीके से राहत कोष के बारे में भी उनको दिया है, राहत कोष दिया गया है, बड़ा एक दुखद बात थी और बड़ी घटना है। आगरा में ही पता नहीं क्यों आता है ये, मुझे बहुत समस्या है। आपको बता दें कि राकेश बघेल के कैंप कार्यालय वाटरबक्स आगरा पर पहुंचकर लोगों ने तूफान के तांडव से अवगत कराया, जहां उन्होंने उनके सुख दुख में शामिल रहने की बात कही। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ने जिले को अपना परिवार समझते हुए लोगों से अपील की है कि जिस तरह से तूफान के दानव ने तांडव किया है, अभी उससे और भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिलाधिकारी ने अभी अलर्ट के लेटर जारी किए हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, उन्हें आश्वस्त किया गया है, उन्हें चेक दिए गए हैं, और पशु के बारे में जैसे बीमा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पशु विभाग की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, संगठन के लोग चिंतित हैं, उनकी भी हम भरपाई करेंगे। और घर घर जाकर हम लोग ये चीज देख रहे हैं, और जहां भी हमें सूचना मिल रही है, मैं बाहर में था, दूसरे दिन पता चला तो मैं तुरंत व्हाट्सएप पे रिपोर्ट लेता था और व्हाट्सएप से मेरे CDO साहब को देता था, DM साहब को बताता था कि आज ये हो गया, आज ये वहां उस गांव में हो गया, एक्शन को देता था, वहां इतनी बिजली के खंभे टूट गए, तो आज तुरंत जल्दी से करिए। तो पूरे राहत के लिए पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और संगठन पूरा लगा हुआ है। 7 तारीख को और आने का है, इस तरह करते हैं तो लोगों से अपील कुछ करना चाहेंगे? हाँ, लोगों से अपील की है और अपील कर रहे हैं पूरी, कि जिस तरीके से अंदेशा हम लोगों का बना हुआ है, तो उस लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि उस समय के लिए सचेत हो जाएं, घर से बाहर न निकलें। गाड़ियां घोड़ी से जाल निकलते हैं तो आंधी तूफान आता है तो वहां फंस जाते हैं, उस समय घर से बाहर न निकलें और सचेत रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ मार्क किया गया है इस तरह की? डीएम आगरा ने लेटर इशू किए हैं सभी तहसीलों के लिए, सभी ब्लॉकों के लिए, कहा गया है कि शांति के लिए बोल रखा है कि उस समय जहां 7 तारीख को अंदेशा है, 7 तारीख को आप सावधानी बरतें और
घर से बाहर न निकलें। जैसे आपको अंदेशा हो कि आज तूफान आने वाला है, उस समय आने वाला है, उस समय घर से बाहर न निकलें, हम लोगों से अपील करते हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात की स्थिति बनने की वजह से यह अनुमान लगाया गया है। आंधी तूफान और बिजली गिरने से दो दिन में 5 राज्यों में 124 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के दानव ने सबसे ज्यादा 73 लोगों को निगलकर मौत के घाट उतार दिया। अनगिनत पक्षियों को और सैकड़ों जानवरों को अपना शिकार बना लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि तूफान ग्रसित लोगों को शासन और प्रशासन से कब तक और कितनी राहत मिल पाती है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट्स ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट्स सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।